गाइज मैं आप लोग को गेम के अंदर आने वाले न्यू अपडेट बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आप लोग को इंटरनेट जो फीचर है उसके बारे में बताने वाला हूँ। उससे मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग टनल कैसे ऐड कर सकते हो। तो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को शोरूम का रास्ता बता देता हूँ कि आप लोग शोरूम कैसे जा पाओगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो कैसे जाना है। तो गाइज इसके लिए आप लोग को सीधे की साइड जाते जाना है। गाइज अगर आप लोग यहाँ से सीधा जाते जाओगे तो आप लोग को गाइज यहाँ पर सामने की साइड एक रैंप दिख रहा होगा और गाइज उसके साइड में आप लोग को अपना शोरूम दिख रहा होगा। तो गाइज आप लोग देख रहे हो कि मैं शोरूम के साइड आ चुका हूँ। तो गाइज आप लोग सीधा इसके अंदर चले जाना होगा। गाइज आप लोग को यहाँ पर शोरूम तो देखने को मिल रहा होगा। हमने शोरूम का तो रास्ता देख लिया होगा। तो गाइज मैं आप लोग को गेम के अंदर आने वाले न्यू चीट कोड के बारे में बता देता हूँ। गाइज इसके अलावा मैंने स्पाइडर का और ये ऑटो कॉइन सब का चीट कोड आप लोग के सामने लिख दिया, तो आप लोग इसे जाके यूज कर लेना। तो गाइज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग ब्लॉक कैसे स्पॉन कर पाओगे। तो इसके अंदर आप लोग को सबसे पहले डाल देना है P14। जैसे आप लोग P14 डाल दोगे तो आप लोग को एक ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। तो गाइज मैं यहाँ पर फटाफट से P14 डाल देता हूँ और गाइज यहाँ पर आप लोग राइट पर क्लिक करोगे। उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग को यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को P15 भी डाल देना। तो गाइज मैं फटाफट से यहाँ पर P15 डाल देता हूँ। जैसे गाइज आप लोग यहाँ पर P15 डालोगे तो गाइज आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरीके से ब्लॉक देखने को मिलेगा और गाइज इन ब्लॉक्स की मदद से आप लोग अपने घर को भी बना सकते हो। तो गाइज आप लोग की मर्जी, आप चाहो तो अपना घर भी बना लेना। तो गाइज इसके अलावा आप लोग को यहाँ डाल देना है P16। और गाइज जैसे आप लोग यहाँ पर P16 डाल दोगे तो गाइज इसके अंदर आप लोग को बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। गाइज ये इन दोनों ब्लॉक से बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉक है। उसके बाद गाइज आप अगर आप लोग को एक और ब्लॉक चाहिए तो गाइज इसके अलावा आप लोग को P17 भी डाल देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर कुछ इसी तरीके से ब्लॉक देखने को मिल जाएगा और गाइज येलो वाला ब्लॉक भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद गाइज जैसे आप लोग P17 डालोगे तो गाइज आप लोग को इतना ज़्यादा बड़ा ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप लोग देख रहे हो कि मैं कितना ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ। अब गाइज मैं आप लोग को जो बताने वाला हूँ उसे देखने के बाद आप लोग भी शौक हो जाओगे, क्योंकि गाइज ये बिल्डिंग का जो मैं आप लोग को चीट कोड दे रहा हूँ। गाइज आप लोग को P1 डाल देना है। गाइज यहाँ पर अगर आप लोग P18 डालोगे तो आप लोग को और भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो गाइज अगर आप लोग को बिल्डिंग स्पॉन करनी है तो आप लोग को V1 डाल देना। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक बिल्डिंग स्पॉन हो चुकी है और गाइज ये बिल्डिंग कितनी ज़्यादा बड़ी है ये गाइज मेरे कैमरे में भी नहीं आ रही। तो गाइज मैं पीछे होकर आप लोग को दिखाता हूँ। ओके गाइज यहाँ से मैं नीचे के साइड गिर चुका हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे ब्लॉक लगा रखे मैंने और गाइज ब्लॉक की वजह से गाइज मैं यहाँ पर गिर चुका। तो गाइज मैं आप लोग को बिल्डिंग दिखाता हूँ। तो गाइज आप लोग बिल्डिंग देख सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी होने वाली हो। गाइज ये ब्लॉक भी आप लोग ने देख लिए होंगे। तो गाइज आप लोग चाहो तो गाइज आप लोग इन चीट कोड का एक बार इस्तेमाल करके देख लेना। गाइज अगर आप लोग को टनल स्पॉन करनी है तो गाइज मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखी है, उसे जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइज जब आप लोग इसे डाउनलोड कर लोगे उसके बाद गाइज आप लोग को यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो गाइज आप लोग को यहाँ पर शेयर के उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। गाइज इसे यहाँ से कॉपी कर लेना। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ से मैं फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर इसे कॉपी कर लिया है। जब गाइज आप लोग इसे कॉपी कर लोगे तो गाइज आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आप लोग का इंटरनेट खुला हुआ हो। ओके उसके बाद गाइज आप लोग को अपना गेम खोल लेना है। गाइज आप लोग को जो इंटरनेट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है गाइज आप लोग को इसके अंदर क्लिक करना होगा। गाइज जो आप लोगों ने लिंक से वहाँ पर कॉपी किया था तो गाइज आप लोग को इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। गाइज उसके बाद आप लोग को यहाँ से बैक आ जाना है। इतना कर लेने के बाद गाइज आप लोग को अपना RGS टूल खोल लेना है। जब गाइज आप लोग यहाँ पर RGS टूल खोल लोगे तो उसके बाद आप लोग को लोड लिख देना है या फिर आप लोग LD भी लिख सकते हो। ओके गाइज उसके बाद आप लोग का चीट कोड हो चुका है। उसके बाद आप लोग को गेम अपना दोबारा से चालू कर लेना है। तो गाइज फटाफट से मैं गेम दोबारा चालू कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर अपना गेम दोबारा से चालू कर लिया है। जब गाइज आप लोग अपने गेम के अंदर देखोगे तो आप लोग को टनल देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक टनल आ चुकी है। तो गाइज आप लोग को ऐसे ही करना है जैसा कि मैंने बताया। तो गाइज आप लोग को टनल देखने को मिल जाएगी और गाइज ये टनल बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। तो गाइज मैं आप लोग को इस टनल को ऊपर से भी दिखा देता हूँ। तो गाइज आप लोग सबसे पहले यहाँ देख लो टनल कितनी ज़्यादा बड़ी है और गाइज आप लोग भी इसे स्पॉन करके देख लेना, आप लोग को भी टनल देखने को मिल जाएगी। तो गाइज मैं फटाफट से ऊपर के साइड चलता हूँ और आप लोग को मैं टनल दिखा देता हूँ कि आप लोग को ऊपर से कैसे देखने को मिलने वाली है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि आप लोग को टनल कितनी ज़्यादा लंबी देखने को मिल रही होगी।